अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन बिनिश का टिफ़िन। आज बिनिश के टिफ़िन में क्या बने जा रहा है, आज मैं आपके साथ बहुत ही क्विक टी टाइम स्नैक्स शेयर करूंगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें सॉल्ट, ऑयल और ज़ीरा ऐड कर दिया है और उसको थोड़े थोड़े पानी से हम एक हार्ड डो रेडी कर लेंगे। डो थोड़ा हार्ड होना चाहिए। ये हमने डो रेडी कर लिया है और उसको हम बेलकर इतनी थिकनेस रखेंगे और इसको हम 3 स्टाइल में कट कर लेंगे। फर्स्ट स्टाइल में इसको ग्लास या किसी भी कटर की मदद से हम रिंगो शेप में कट कर लेंगे और इनको हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। अब चलते हैं हम सेकेंड स्टाइल की तरफ। अब सबसे पहले लंबी स्ट्रिप में कट कर लेंगे और इन स्ट्रिप को भी हम छोटी छोटी स्ट्रिप में कट कर लेंगे और इनको भी हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। तो अब चलते हैं थर्ड स्टाइल की तरफ। सबसे पहले लंबी लंबी हम स्ट्रिप में कट करेंगे और फिर इनको नमक पारा शेप में कट कर लेंगे और इन सबको भी हम अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। तो हमारे ये ज़बरदस्त सा टी टाइम स्नैक्स रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कभी कभी हमें क्रेविंग होती है या बच्चों को चाहिए होते हैं चिप्स वगैरह, तो आप उन चिप्स की बजाय बच्चों को ये बना कर दें, क्योंकि बाज़ार की चिप्स अनहेल्दी होती है, उसमें तरह तरह के मसाले लगे होते हैं और वो बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। आप इनको बहुत सारे बना कर रखें, देखें 2 कप में कितने सारे रेडी हो गए और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और इस तरह से आप डिफरेंट शेप में बना कर दें तो बच्चे क्यों नहीं खाएंगे, और देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। तो इंशाल्लाह आप सब लोगों को, खासतौर पे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को भी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक और न्यूज़ अबदर्स या मेरी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।